वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो चलिए गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही विज्ञान का, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ईमानदारी से। जो भी आपको लग रहा है ना, ए बी सी डी टिक लगा दो आप। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी खासी होगी। आई होप आपने वैसे किया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा या फिर वन थीटा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक आपको बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, कोस थीटा। नेक्स्ट, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, कोणे स्वेक्षरक्षण, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, स्वेक्षरक्षण। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वप्रेरण। नेक्स्ट, एक ऊंचाई परिमाण वृत्त में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। एसी का समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक है। तो धारा की आवृत्ति होगी, ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे, 55 हर्ट्ज, 50/5 हर्ट्ज या फिर 105 हर्ट्ज या फिर 100/5 हर्ट्ज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चैप्टर इंपोर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा वाला। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है, प्रतिरोध कहेंगे उसको या फिर अपचय ट्रांसफर कहेंगे या फिर अपचय ट्रांसफर कहेंगे या फिर ट्रांसफर कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजफुल है। और क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे जीके के, बायो के, केमिस्ट्री के, बहुत विज्ञान के, सब के। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अपचाय ट्रांसफार्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप है। यदि LCR परिपथ में L=8.0 हेनरी, C=0.5, UR=100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने, 600 रेडियम पर सेकेंड, 500 रेडियम पर सेकेंड, 600 हर्ट्ज या फिर 500 हर्ट्ज। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500 रेडियम पर सेकेंड। इस सवाल को पहले तो आपको रफ पेज पे करना है ईमानदारी से, और रफ पेज में करने के बाद अगर ये आंसर आए ना तभी टिक लगाना आप, और तभी सहमत होना, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधा आप क्या करोगे, कमेंट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम आपको बता सके। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, केवल AC परिपथ में, केवल DC परिपथ में, दोनों AC तथा DC परिपथ में, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा फर्स्ट वाला है, केवल AC परिपथ में। नेक्स्ट, LCR परिपथ में
तारिक तत्व को सी में बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरित तत्व को एल में बदलकर होना चाहिए 2L, L अपॉन 2, L अपॉन 4 या फिर 4L। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका D, 4L। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर होगा कितना होगा, 240 वोल्ट, 2400 वोल्ट, 0.024 वोल्ट, 0.08 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन D, 0.08 वोल्ट। नेक्स्ट, अब चाय ट्रांसफर बढ़ाता है धारा वोल्टता इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका धारा। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुख है जूल उस्मन, पेल्टियर उस्मन, थॉमसन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला जूल उस्मन। नेक्स्ट, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है कितना है गाइस, ऑलमोस्ट कैपेसिटर का। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन D, 0। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, DC, AC, DC तथा AC दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका DC। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। LC परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ, अनुगामी परिपथ, शैथिल्य परिपथ, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोलनी परिपथ। नेक्स्ट, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक होता है हेनरी, ओम, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। ऐसा मात्रक तो आपको याद ही रखना है, किसी का भी 100% क्वेश्चन बनता है मात्रक से। प्रतिबाधा इम्पीडेंस का ऐसा मात्रक होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन B, ओम। नेक्स्ट, देखिए गाइज किसी भी क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो तो सीधा कमेंट करना आप, तो ईमानदारी से, ठीक है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, धारा के मूल माध्य वक्र का मान होगा 16√2, 60/√2, 100 शून्य। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण धारा के मूल माध्य वक्र का मान होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन B, 60/√2। अगला है आपका, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, फैराडे, एम्पियर, म्यो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ओम। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है कितनी होती है, ऑप्शन आपके सामने हाजिर है और लगाओ टिक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C, √R² + ω² या फिर L². प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर होता है 5.2, 5.4, शून्य, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर कितना होता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन C, शून्य। नेक्स्ट,
यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच कालांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर माना मान होता है टेन थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। लगा दिया होगा आपने टिक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोस थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, टिक पहले आप लगाओ, इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी होगी और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो लाइफ टाइम आपके काम आने वाले। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तप्त तार मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान औसत मान मूल औसत वर्ग धारा इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग धारा। अगला है आपका, ट्रांसफार्मर के कोर को पर्दार बनाया जाता है ताकि उच्च धारा प्रवाहित हो सके, उच्च विभव प्राप्त हो सके, बहुर धारा द्वारा होने वाली हानि को रोका जा सके, अधिक कम की जा सके, अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहुर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपके लिए एक और चैनल हमने बना रखा है जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको मिलता है, उसका नाम है जेके लोन जॉब चैनल, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हाई लेवल के और मिडिल लेवल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों चैनलों से दुगुना पोषण आप ले सकते हो। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में प्रतिरोध में धारित्र में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रेरक में। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी 25, 50, 100, 200, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी कि 25। अगला क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा क्या आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 220 हर्ट्ज, सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला 50 हर्ट्ज है। जो अमेरिका में लगे वहाँ पर 60 है, हमारे भारत में 50 हर्ट्ज है, यानी कि कोई भी उपकरण हो गया यहाँ का वो अमेरिका में काम कर नहीं करा, क्योंकि अगर वो 50 हर्ट्ज का होगा तो, अगर 50 और 60 का होगा तो फिर कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग होती है, हमारे इंडिया की 50 है न्यूमेरिकली। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ लिंक तो आपको फेसबुक मिल जाएगा। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा कोस थीटा एम्पीयर तथा विभव भी परिपथ में शक्ति हानि है, देखो इसको आपको रफ पेज में करना है और उसके बाद जो भी आपको लगे टिक लगाना है, उसके आपका जो भी आंसर आए ना उसके बाद आपको मैच करवाना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 0, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।